हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग, साबुत मूंग का चीला, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है और फटाफट से बन जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल, ग्रीन वाला जो छिलके वाला होता है, और उसे हम ओवरनाइट भिगो के पानी में रख देंगे और मॉर्निंग में उसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे कुछ हल्का दरदरा सा। उसके अंदर हम मिक्स करेंगे एक कटे हुए टमाटर, एक मिर्ची, हरी मिर्ची जितना आपको तीखा पसंद है, और छोटा सा प्याज, धनिया पत्ता, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको और डालना हो तो आप बीन्स वगैरह भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके साथ ही आप डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ा था, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम एक तवे में, जो नॉर्मल आपका रेगुलर तवा है, उसके ऊपर आप ऑयल डालिए और चीले को जैसे हम नॉर्मल बेसन का चीला बनाते हैं इसी तरीके से आप बना लीजिए, और इसे ढककर स्लो आंच पे पकाना है। इसे जितना स्लो आंच पे पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी और धीरे धीरे पकेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देख लीजिए। और कितना सिंपल है ना इसे बनाना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही झटपट सा बन जाता है। और ये बन